गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज आपके लिए टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे आए हुए हैं, जिसमें आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है और एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन है कि एग्जाम में आ सकता है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे अपना। क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? चलिए बताइए, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? चलिए बताइए, कौन सा अम्ल एक जमा होने से थकावट आती है? तो आपका है लैटिकम। लैटिकम जिसे थकावट महसूस होती है। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए बताइए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही आंसर है टार्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? चलिए बताइए, जो कैंसर संबंधित रोगों को उसके बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गन होता है शरीर का पार्ट्स, ऑर्गन होता है, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? चार नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ये आपको जल्दी बताइए क्वेश्चन क्या होगा। इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन RRVJEE में पूछा गया है। ये पिछला साल इन साल हुआ था 2019 में, जिसमें आपको RRVJEE में पूछा गया क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ में बने होते हैं? तो आपका सही आंसर है डेंटाइन के। किस में? डेंटाइन के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? किस, चलिए बताइए, किस तंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? ठीक है, तो इसका आंसर है पैरामीशियम। कौन सा? पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की कितनी आँख होती है? केचुए होता है अर्थवॉर्म, इनकी कितनी आँखें होती हैं? तो इनका आँख नहीं होता है। ठीक है, एक भी आँख नहीं होता। आठ नंबर क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आपको बता देते हैं, इसका आंसर है आपका विटामिन ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का प्रोटीन पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन कौन सा पदार्थ में पाया जाता है? चावल में। किसमें पाया जाता है? चावल में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो बताइए, अगर मेरा वीडियो सारा देख रहे होंगे तो इसमें एक क्वेश्चन पहले वाला वीडियो में कराए हुए हैं, मानव शरीर का लगभग कितना ग्राम होता है मस्तिष्क? 1350 ग्राम। 11 नंबर क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा होती है? रक्त में कौन सा धातु पाया जाती है? तो आपका है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन का उदाहरण क्या है? तो ये आपका है दूध का खट्टा होना और खाने का ब्रेड ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व करता है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पनीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पनीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से दो रंग को मिश्रित करने पर हरा रंग बनता है? कौन से दो रंगों को मिश्रित करने पर हरा रंग बनता है? तो आपका है नारंगी और बैंगनी। ठीक है, नारंगी और बैंगनी को मिश्रित करेंगे तो हरा रंग बनेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन एक उड़ने वाला पक्षी है? ड्रेको। ठीक है, इसमें एक एक ड्रेको पक्षी है, वो भी उड़ने वाली छिपकली है, सॉरी छिपकली है, ड्रेको एक छिपकली है। याद रखिए क्वेश्चन, चार को ऑप्शन दे देगा उसमें ड्रेको भी रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेको होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, जो सांप है वो घोंसला बनाता है, उसको कौन सांप है? किंग कोबरा। कोबरा अपना घोंसला खुद बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? याद रखना है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो आपका है शार्क, शार्क, हवेल शार्क। ठीक है, वेल शार्क। याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वेल शार्क। 17वां क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का, प्रोटीन में दाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉरी, दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, उल्टा बोला गया था इसके लिए, सॉरी। दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, इसलिए दाल खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? चलिए बताइए, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो आती है आपको डाई एसिटिल के कारण। ठीक है, डाई एसिटिल के कारण देसी घी में से सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? चलिए बताइए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बताते हैं, विक्षेपण लाल रंग का सबसे अधिक होता है, इसीलिए सिग्नल में इसका ज़्यादातर यूज करते हैं, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कारक कौन किए थे? चलिए बताइए, टेलीविज़न का आविष्कारक जे एल बेयर्ड ने किए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? चलिए बताइए, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सही आंसर है आपका आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, CH4। मीथेन का सूत्र होता है, याद रखिएगा, CH4 होता है मीथेन का सूत्र, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? क्वेश्चन बन रहा है तो एक बार लाइक जरूर किया करें भाई, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लग भी लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही दूध को शुद्धता मापने के लिए किसका यूज़ किया? लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु तत्व कौन सा है? बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर जो धातु तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो आपका है एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? चलिए बताइए, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछला पिछला एग्जाम में, ग्रुप डी में, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो वो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, CaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ भी सकता है। तो ये आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो सही आंसर है एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु का अपना पालतू बनाया? मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? इसका है कुत्ता। कौन सा? डॉग। सबसे पहले डॉग को अपना पालतू जानवर बनाया। ठीक है, याद रखिए, एक क्वेश्चन पूछता भी है क्वेश्चन ऐसा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अपने बर्फ के दो टुकड़े को आपस में
घिस कर पिघला दिया। तो किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़े को आपस में पीस कर पिघला दिया? तो ये आपका है डेवी ने। किसने किया था? डेवी ने। चलो बताइए कौन सा दो रंग मिश्रित करने पर हरा रंग तैयार होता है? सॉरी, दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन ऊपर में भी है, तब पर भी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। अभी तो पढ़े होंगे कौन सा रंग। तो इसका है नारंगी, नारंगी और बैगनी। ठीक है, क्या नारंगी और बैगनी को मिश्रित करेंगे तो हरा रंग प्राप्त होगा। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, 32 हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन है कौन सा टेलीग्राम सबसे बेस्ट है? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के रूप में है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, ख़त्म करते हैं। हाँ, जो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करना तो चैनल को भूलें नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।